सबकी बधाइयां हम स्वीकार करते हैं और जनादेश है। अब देखिए लोकतंत्र कितना सुंदर है, कितना ब्यूटीफुल है कि एक ईमानदार पढ़ी लिखी महिला ने, मेरी बड़ी बहन जीवनज्योत कौर जी ने, दो बड़े सियासी हाथियों को जिन्होंने अपने पैरों के नीचे जनता को कुचला हुआ, विक्रम सिंह मजीठिया और नवजोत सिंह सिद्धू को हरा दिया। ये हमने नहीं कुछ किया, हम तो साधारण से लोग हैं। मैं तो कहता हूं कि लल्लू करे कवलियां रब सिद्धियां पावे, हम तो लल्लू से हैं, गलतियां करते रहते हैं, भगवान ही ये कुछ करा रहा है, ऊपर वाले का चमत्कार है। और ये जीत कोई चमत्कार से कम नहीं है, हम इस पूरी जिम्मेदारी को समझते हैं और केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस पे जो पंजाब के लोगों ने मोहर लगाई है, उम्मीद रखी है अपनी, उस उम्मीद पर हम खरा उतरेंगे, मेरा विश्वास है। देखिए आम आदमी पार्टी एक सोशल सिक्योरिटी नेट क्रिएट करती है लोगों के लिए, एक सोशल सिक्योरिटी नेट क्रिएट होता है जिसमें हर आदमी को एक सम्मान से लाइफ जीने के लिए जितनी बिजली, जितना पानी, जितनी हेल्थ केयर, जितनी एजुकेशन चाहिए होती है वो सब मिले, तो आम आदमी पार्टी वो एक नेट क्रिएट करती है। आज लोगों ने हमारे इस इलेक्शन प्रॉमिस पर भी, हमारे एजेंडे पर भी, केजरीवाल साहब की गारंटियों पर मोहर लगाई है और एक मौका दिया है। मैं लोगों के साथ सामने नतमस्तक हूं, हम पंजाब की आवाम के ऋणी हैं और ये ऋण हम चुका नहीं पाएंगे। खान साहब आने वाले समय में अपनी सरकार के क्या क्या एजेंडे होंगे, कैसे कैसे आगे क्या क्या प्रायोरिटीज रहेंगी, उस पर आप सबसे रूबरू होंगे। मुझे पार्टी ने इलेक्शन लड़वाने की जिम्मेदारी दी थी, मैं तो आप ही के बीच हूँ, आप ही के बीच। विरोधी